नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार की ओर। आवास के नाम पर प्रधान द्वारा पैसे की वसूली। कोराम के अंतर्गत भवन पट्टी ग्राम प्रधान द्वारा प्रत्येक लाभार्थियों से 5,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। ग्राम सभा भवन पट्टी के ग्राम प्रधान शीतला प्रसाद ने आवास के प्रत्येक लाभार्थियों से 5,000 रुपए वसूलने का काम कर रहे हैं, जो कि ग्राम सभा के लाभार्थी गेंदा देवी, छप्पन देवी, रामानंद, सूरज कुमार ने अपनी समस्या खंड विकास अधिकारी रमाशंकर सिंह पटेल के सामने जताई। खंड विकास अधिकारी जी ने समाधान करने का आश्वासन दिया है। ब्रजलाल चौधरी की रिपोर्ट। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा सूरज नाम है। तुम्हारे पिताजी का नाम? राम मूलक। माता जी आपका क्या नाम है? आप भी पांच लड़के? हाँ, कॉलोनी के नाम पे? हाँ, कॉलोनी के नाम पे। किसको, सबसे लिए? किसको दिए हैं? ये संजय तिवारी। ये बात आप खंड विकास अधिकारी महोदय के सामने कर रहे हैं? सबके सामने होना चाहिए। पैसा दे खाता में आई वही कहीं भेजने निकाल के गए दिया। अब 35,000 इनकर पैसा बा तो हम कह दें 35,000 अपन ले लें, हमार खाता खोल दें, हम जो हमारे खाता में बाकी उनसे निकाल दें। क्या जरा के तुम हम कॉलोनी ना का कॉलोनी में? हाँ, कॉलोनी ना बनवा भाई, 35,000 उनकर बच्चा बोल रहे। तुम्हार का नाम बताओ? छप्पन। छप्पन देवी। हाँ। अभी वो एफिडेविट हम दे रहे हैं, 25 लोगों की एफिडेविट। चलिए, तो पाँच हज़ार सब लोगों से लिया? हाँ, सब से लिया। जितना कॉलोनी आई, जितनी कॉलोनी आई। हाँ, सर हमारे बड़े भैया हैं, इनका भी पैसा 5,000 लिए थे। तो हाँ, आपका क्या नाम है? हाँ सर, रामानंद है, माता के नाम से आया है। माता जी के नाम से आया? वो भी। क्या नाम है? गेंदा देवी। और तुम्हारे जैसे लाभार्थी जो हो बुलाओ जिसे पैसा लिया। साहब, माता जी हमारे विधवा है, स्कूल में काम कर रही हैं। स्कूल में काम कर रही हैं 6 महीने पर, साल भर को उनका तनख्वाह आता है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये के दर से तनख्वाह आता है, वो भी खाता बंद हो गया है। लड़के बच्चे कमा कर उनके खाते में डालते हैं। नाम बता दो। हमारा नाम रामन। रामन का नाम शीतला। 5,000 लिए हैं और देने से पहले तुम क्या नहीं बता सकते थे सूरत कुमार के नाम से नाम से 5,000 पढ़ा रहे हैं। हाँ, सभी लाभार्थी उठ लिए। हाँ, सभी जितने हैं वहाँ। चलिए ठीक, अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज़।